जो छोटे काम है उनमें छोटा पैसा और जीरो इज्जत होती है, और उसे कोई बड़ा आदमी करता नहीं, ना ही उसके बच्चे करते हैं। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? मैं भी राजा तू भी राजा, अब कौन बजाएगा बाजा? एक कहावत आपने सुनी होगी, नाई की बरात में सारे ठाकुर, हुक्का कौन भरेगा? क्योंकि अगर कहावत है कि ठाकुर अपना हुक्का खुद नहीं भरता, जाति व्यवस्था जो अभी 200-300 साल में डेवलप हुई है उसके अनुसार, पहले नहीं थी, तो ठाकुर अपना हुक्का भरेगा नहीं, नाई भरेगा। नाई ने शादी की, सब बारात में ठाकुरों को लेके चला गया, ठाकुरों को हुक्के की उकास लगी, अब भरे कौन उसे? तो नाई भरेगा तो जो दूल्हा है वही भरेगा, दूल्हा भर नहीं सकता क्योंकि वो तो दूल्हा है, आज तो वो कुछ काम करेगा नहीं। अगर दफ्तर में सभी अफसर हैं तो फिर दफ्तर में झाड़ू कौन लगाएगा? दफ्तर साफ कौन करेगा? टेबल कौन साफ करेगा? अगर घर में सभी पढ़ी लिखी महिला हैं, मेम साहब हैं, तो उनके बर्तन कौन साफ करेगा? उनका घर पे पोछा कौन लगाएगा? उनके जो गंदगी है उसे कौन साफ करेगा? अगर स्कूल में सभी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो स्कूल साफ कौन करेगा? मतलब अगर सारे लोग राजा हो गए या रानी हो गए या सब पढ़े लिखे हो गए या सारे लोग जानकार हो गए तो फिर ये काम कौन करेगा? ये असली बात है। इस बात को आप इसलिए समझें क्योंकि बचपन से दिमाग में डाला जाता है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सारे काम बड़े होते हैं, सारे काम अच्छे होते हैं। मगर आप अगर ध्यान दोगे तो जो छोटे काम हैं उनमें छोटा पैसा और जीरो इज्जत होती है, और उसे कोई बड़ा आदमी करता नहीं, ना ही उसके बच्चे करते हैं, कभी नहीं देखा होगा आपने। आप अगर ध्यान दोगे तो रिक्शे चलाने वाला, खेतों में मजदूरी करने वाला, सड़कों पर मजदूरी करने वाला, जो ये कूड़ा बीनने वाला है या जो कूड़ा उठाने वाला है, जो टट्टियों में घुस के काम करते हैं या जानवरों को उठाने वाले हैं, ये सारे काम जो करते हैं इनमें कोई बड़ा आदमी नहीं मिलेगा। जितने भी आप अगर ध्यान दोगे कि धरने प्रदर्शन होते हैं या जो रैलियां निकलती हैं या जो भी कोई फेस्टिवल होता है जिसमें बहुत दूर आना जाना हो या फेस्टिवल में कोई मेहनत का काम हो, कोई बड़ा आदमी उसमें करता हुआ नहीं मिलेगा। बड़े आदमी कहाँ मिलेंगे आपको? कोर्ट में, कचहरी में, डॉक्टर, इंजीनियर, जहाजों में बैठे हुए, रेल के फर्स्ट क्लास में बैठे हुए, बड़े बड़े मॉल में घूमते हुए, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, बड़े बड़े घरों में रहते हुए, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हुए, एक देश से दूसरे देश आते हुए जाते हुए, पिक्चरों में हीरो और हीरोइन को आप देखोगे वही बड़े लोग हैं, या जो पैसा कमाते डायरेक्टर वो लोग हैं, या जो नेतागिरी करते हैं वो बड़े लोग हैं। यानी ये जो बड़े लोग हैं या जो टीवी अखबार चलाते हैं या उसमें आते हैं वो बड़े लोग हैं, यानी जो बड़े लोग हैं वो बड़े अफसर हैं या बड़े बड़े जो पैसे वाले, छोटे नहीं देखोगे आप। ये जो छोटे लोग हैं जो शहर के कोने पर रहते हैं, गांव के कोने पर रहते हैं, जो गंदे गंदे काम करते हैं, वो बड़े नहीं बनते। इसलिए कोई अगर आपको ये कहता है कि काम छोटा बड़ा नहीं होता तो वो दरअसल इस बात से घबराता है कि कहीं अगर इसको ये पता चल गया कि काम छोटे और बड़े होते हैं तो फिर ये काम करेगा नहीं, और जब ये छोटा काम नहीं करेगा तो फिर छोटा काम करेगा कौन? क्योंकि जो बड़ा है अगर वो छोटा काम करेगा तो बराबर में आ जाएगा, फिर तो छोटे बड़े का जो ऊंच नीच का भेद है वो खत्म हो जाएगा, पैसे की बराबरी हो जाएगी। क्योंकि कोई आदमी चेयर कुर्सी पे बैठ के 50,000 की तनख्वाह लेता है, और कोई आदमी जो चेयर को टेबल को साफ करता है 5,000 की तनख्वाह लेता है, तो 10 गुने का अंतर पड़ जाता है। तो इसलिए दिमाग में डाला जाता है बार 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 कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, सब ईश्वर के काम है। भाई सब ईश्वर के काम है तो ईश्वर ही कर ले, फिर लोगों को करने की जरूरत क्या है? और काम अगर छोटा बड़ा नहीं है तो टन बाय टन होना चाहिए कि भाई 4 दिन तुम इसको छोटे काम को कर लो, 4 दिन हम कर लेते हैं, 4 दिन तुम इसको कर लो, छोटा बड़ा तो है नहीं, तो फिर 4-4 दिन के अंतर कर लेते हैं। और अब तो कोई अंतर है भी नहीं क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है, हालांकि कम करने की कोशिश की जा रही है, मगर काबिल लोग बहुत ज्यादा हैं जो पढ़ लिख गए हैं। तो ऐसा रूटीन हो सकता है कि भाई
चार दिन तुम इस काम को कर लो, चार दिन हम इस काम को कर लेते हैं, या एक दिन तुम कर लो एक दिन हम कर लेते हैं, क्या छोटा बड़ा है, सब काम ईश्वर के हैं, कोई छोटा बड़ा काम तो होता नहीं है, सभी काम बढ़िया होते हैं। और ऐसा प्रैक्टिकल में, रूटीन में, जीवन में होता नहीं है, मिलता नहीं है। एक व्यक्ति जो जिसके दिमाग में ये बात डाली है कि तुम छोटे काम नहीं करोगे, वो नहीं करता, मगर दूसरों को हमेशा कहता है काम छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए करो, कहेगा मत करेगा नहीं। इस बात को आप ध्यान से देखेंगे तो अच्छी तरह से जान। तो आपने सुना होगा कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। अरे भाई अब वो जमाना नहीं है, अब जमाना है कि कर्म करो और फल पहले ले लो आप, क्योंकि अगर आप फल नहीं लोगे तो फिर आपको कोई सड़ा हुआ फल हाथ में थमा जाएगा और आप देखते रह जाओगे। कर्म आप कर चुके हो तो फिर उससे कुछ कह भी नहीं सकते। दरअसल जो दुनिया में सबसे बड़ा झगड़ा है वो इस बात का है कि हर आदमी ये चाहता है कि वो ऐसा काम करे जिसमें मेहनत कम हो और पैसा ज्यादा हो, साफ हो, शुद्ध हो और इज्जत वाला काम हो। गंदे काम को कोई नहीं करना चाहता, इसीलिए यूरोप के जो देश हैं वो लेबर मंगाते हैं भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, थाईलैंड से, म्यांमार से, इन देशों से, यानी एशिया के, पूर्वी एशिया के जो देश हैं वो, फिलीपींस वगैरह जो देश हैं वो वहां लेबर के रूप में जाते हैं। पहले वो अफ्रीकन्स को बुलाते थे, अब अफ्रीकन्स ने वहां इन गंदे कामों को करने से मना कर दिया, तो यहां से लेबर जाती है और उसको कुछ वो पैसा उसके मुंह पे फेंकते हैं, डॉलर या पाउंड, और वो वहां मजे मजे से उनकी वो गंदे काम करता है। भारत में भी अगर सारे लोग पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, जैसे मान लो पूरे देश के लिए 27 लाख डॉक्टर चाहिए, अब 27 लाख डॉक्टर अगर सभी लोगों के बन गए तो बाकी जो लोग हैं वो कंपाउंडर बनेंगे या नर्स बनेंगे। तो हर आदमी चाहता है कि हम डॉक्टर बने, हम कंपाउंडर और जो वार्ड बॉय है वो क्यों बने, क्योंकि डॉक्टर का ज्यादा मजा है, डॉक्टर को पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, बढ़िया रूम, बढ़िया घर मिलता है। तो हर बच्चा ये चाहता है, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उसका बच्चा डॉक्टर बने। तो यानी कि काम बड़ा हो गया, यानी हर आदमी चाहता है कि ये जो काम है बड़े वाला ये मेरा बच्चा करे, और नीचे वाला काम छोटा हो गया। कोई नहीं चाहता कि वार्ड बॉय बने या नर्स बने या उसके अटेंडेंट बने या वहां का जो सफाई का काम है उसको करे। तो अगर 27 लाख डॉक्टर बनने हैं और देश के अंदर अगर 27 लाख से दुगने अगर बच्चे हैं तो 27 लाख तो डॉक्टर बन जाएंगे, मगर बाकी जो 27 लाख हैं वो तो छोटा काम करेंगे और वो करना चाहते नहीं है। इसी बात का झगड़ा है, इसीलिए ये झगड़ा बराबर चलता आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि अच्छा काम कौन करेगा और खराब काम कौन करेगा। इसको आप समझो, और कोई बुरा काम करते हो तो उसको छोड़ो आप, और अच्छा काम करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। ये दुनिया का नियम है आगे बढ़ने का। धन्यवाद। Tiyampi dhammam sarnam gacchami.